एबीपीएस न्यूज। नमस्कार, एबीपीएस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय प्रताप सिंह और आपके लिए लेकर आया हूं आज के प्रमुख अखबारों की कुछ सुर्खियां जो पहले पेज पर प्रकाशित हुई हैं, जिनमें सबसे बड़ी खबर आ रही है बेंगलुरु से। कर्नाटका में येदुरप्पा महज 55 घंटे के सीएम रहे, कुमार स्वामी की बुधवार को होगी ताजपोशी। अमर उजाला में ये खबर प्रकाशित हुई है पहले पन्ने पर। तो वहीं हिंदुस्तान ने लिखा है कि येदुरप्पा ढाई दिन के सीएम रहे हैं। पूरी खबर में बताया जा रहा है कि शक्ति परीक्षण से पहले ही इस्तीफा दे दिया गया है और यदि बहुमत का जादुई अंक जुटाने में भारतीय जनता पार्टी फेल हो गई है। तो ये पहली खबर बेंगलुरु से आ रही है जो कर्नाटका सरकार के ऊपर लिखी गई है कि कांग्रेस के परमेश्वर हो सकते हैं उप मुख्यमंत्री। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी भी अपने किसी न किसी व्यक्ति को जरूर सत्ता में दाखिल करने के पूरे मूड में है और जेडीएस के साथ मिलकर सरकार बनना अब तय हो गया है। तो वहीं कांग्रेस के 20 और जेडीएस के 18 जो विधायक हैं वो मंत्री हो सकते हैं, ये खबर भी अमर उजाला में दी गई है। पूरी खबर में बताया गया है कि कर्नाटक में सत्ता बचाने की जोड़ तोड़, 55 घंटे के मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा के इस्तीफे के साथ खत्म हो गई है। जी हाँ, 55 घंटे तक ये सीएम की कुर्सी पर रहे, लेकिन उसके बाद भाजपा विधानसभा में बहुमत का जादुई आंकड़ा नहीं जुटा पाई, जिसके चलते विश्वास मत से पहले ही सरकार गिर गई। अब जेडीएस और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनना तय हो गया है। तो ये खबर बेंगलुरु से चल रही है और बुधवार को एचडी कुमार स्वामी सीएम पद की शपथ लेंगे। एचडी कुमार स्वामी अब कर्नाटका के मुख्यमंत्री होंगे और कांग्रेस के साथ साथ जेडीएस दोनों पार्टियां मिलकर ये सरकार का गठन करेंगी। इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर जो मुरादाबाद और संभल की एक साथ प्रकाशित की गई है, जिसमें बताया गया है कि संभल में ट्रैक्टर ट्रॉली खाई में गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई। हम आपको बता दे चलें कि हमने अपने न्यूज़ पोर्टल पे इस खबर को कल ही दिखा दिया था और आज ये खबर अमर उजाला के साथ साथ हिंदुस्तान में भी पहले पेज पर प्रकाशित की गई है। तो इसमें 8 लोगों की मौत हुई है। ये सभी लोग दरी के कारोबारी थे और अलीगढ़ जा रहे थे। रास्ते में इनकी ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। ये सभी लोग थाना डिलारी क्षेत्र के रहने वाले थे। खबर में बताया जा रहा है कि शुक्रवार की रात करीब 2 बजे अज्ञात ट्रक की टक्कर के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली खाई में जाकर पलट गई। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार 15 लोग दरी बेचने के लिए अलीगढ़ जा रहे थे। हादसे के वक्त अधिकतर लोग नींद में थे, क्योंकि 2 बजे का समय नींद का होता है, तो सभी लोग अपने अपने तरीके से ट्रैक्टर ट्रॉली में ही सोने का काम कर रहे थे। अचानक अनियंत्रित होने के बाद में ट्रैक्टर ट्रॉली खाई में पलट गई, ट्रक की टक्कर हुई है जिसमें 8 लोगों की मौत हुई है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खबर भी आ रही है जो श्रीनगर से है, जिसमें कहा गया है कि भटके युवा हिंसा का रास्ता छोड़ दें। तो प्रधानमंत्री ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में अस्थिरता के दुष्कर्म का जो दुष्चक्र है उसको निकालना होगा और भटके हुए जो युवा हैं वो एकदम हिंसा का रास्ता छोड़ दें और अच्छा जीवन यापन करें। प्रधानमंत्री की तरफ से ये बयान आया है और पूरी खबर में बताया गया है कि पीएम मोदी ने विदेशी ताकतों के झूठे दुष्प्रचार में फंसकर भटके हुए कश्मीर के युवाओं को हिंसा का रास्ता छोड़ने की नसीहत दी है और कहा है कि वो लोग हिंसा के रास्ते पर ना जाकर कम से कम अपने देश के हित में सोचें, अपने हित में सोचें और अपने परिवार के हित में सोचें, ताकि इस देश का विकास हो सके और यहाँ के लोग तरक्की के रास्ते पर जा सकें। पीएम मोदी ने विदेशी ताकतों के ऊपर ये कहा है कि उनके बहकावे में आना अच्छा नहीं है और अपनी अक्ल लगाकर, अपने दिमाग को लगाकर अपने अपने परिवार और अपने देश के विषय में सोचें। रमजान में कार्रवाई रोकने की घोषणा के बाद पहली बार प्रधानमंत्री बोले हैं कि शांति और स्थिरता का कोई विकल्प नहीं है। मोदी जी शनिवार को शेरे कश्मीर कन्वेंशन सेंटर में बोल रहे थे। उन्होंने 330 मेगावाट किशन गंगा पावर प्रोजेक्ट राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। उन्होंने कश्मीरी भाषा से भाषण शुरू किया और आवाम से सलाम कबूल करने को कहा। 30 मिनट के भाषण में उन्होंने कश्मीरियत का महत्व बताते हुए कहा है कि रमजान में आतंकवाद निरोधक अभियानों को रोकने के फैसले से इस्लाम के नाम पर दहशत फैलाने वालों को बेनकाब करने में मदद मिलेगी।
तो ये खबर कश्मीर से है, जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि भटके हुए जो युवा हैं वो विदेशी ताकतों के बहकावे में ना आकर हिंसा का रास्ता छोड़ दें, अमन और चैन के साथ रहें ताकि उनके परिवार के साथ साथ इस देश में भी खुशहाली आ सके। तो ये खबर भी महत्वपूर्ण है जो कश्मीर से आ रही है। तो यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए एबीपीएस न्यूज। एबीपीएस न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक ट्विटर गूगल प्लस को लाइक फॉलो जरूर करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है एबीपीएस न्यूज में। और अब आगे की खबरों में है कि पाकिस्तान के जासूस माधुरी को 3 साल की जेल हो गई है। खबर में बताया जा रहा है कि पाकिस्तान को गोपनीय सूचना लीक करने के मामले में दोषी पाई गई भारत की पूर्व राजनयिक माधुरी गुप्ता को अदालत ने 3 साल की सजा सुनाई है। पटियाला हाउस स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थ शर्मा की अदालत में कहा गया है कि जिस तरह से महिला अधिकारी ने अधिकारों का दुरुपयोग किया है उसके अंतर्गत कानून में उल्लेखित सजा उसे सुनाई गई है, और जो संविधान के अनुसार सजा हो सकती थी वो माधुरी को सुनाई गई है। 3 साल की सजा इनको हुई है और भारतीय जो दस्तावेज थे और गोपनीय बातें जो थीं उन्हें लीक करने के मामले में माधुरी को ये सजा सुनाई गई है। तो वहीं अमर उजाला के पहले पेज पर एक और अच्छी खबर युवाओं के लिए है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू 12 जून से होंगे। तो ये रोजगार से जुड़ी खबर है, इलाहाबाद से प्रकाशित हुई है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग विज्ञापन संख्या 446 के तहत अशासकीय कॉलेजों में 3 अन्य विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए 12 जून से इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। आयोग की सचिव वंदना त्रिपाठी ने निर्देश जारी किए हैं। चयनित अभ्यर्थी अपना साक्षात्कार पत्र आयोग के पोर्टल www.uphesconline.in से 21 मई से अपराह्न 2 बजे से अपलोड कर सकते हैं। और वहीं विश्वविद्यालय में अब प्लास्टिक पर प्रतिबंध लग गया है। नई दिल्ली से प्रकाशित इस खबर में बताया गया है कि पर्यावरण मंत्रालय की एडवाइजरी के बाद UGC के निर्देश हुए हैं कि अब विश्वविद्यालयों में प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए एबीपीएस न्यूज की सुर्खियों में बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे प्रमुख अखबारों की सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए अजय प्रताप सिंह को दीजिए इजाजत, नमस्कार। एबीपीएस न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक ट्विटर गूगल प्लस को लाइक फॉलो जरूर करें।